ने ड्रोन से उड़ाया नेतन्याहू का मिलिट्री बेस। दस अड्डे पर हिजबुल्ला ने बरसाया बेहिसाब बारूद। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने उठाई बारूदी सुनामी। इसराइल का जॉइंट अटैक लेबनान को जला देगी आईडीएफ। गाजा से ज्यादा बारूद लेबनान में बरसने लगा है। इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाकों में भीषण मारकाट शुरू हो गई है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से भयानक युद्ध लड़ा जा रहा है। वजह है हिजबुल्ला का इसराइल में घुसकर हमला। लेबनान के हिजबुल्ला फाइटर ने इसराइल में घुसकर हमला अंजाम दिया है। ये हमला मिलिट्री बेस पर किया गया है। फाइटर ड्रोन से बारूद बरसाकर हिजबुल्ला ने नेतन्याहू का सैन्य अड्डा खाक कर दिया है। हमले के बाद हिजबुल्ला की तरफ से दावा किया गया, लेबनान बॉर्डर के करीब इसराइल के किबुत्स मिलिट्री बेस को ड्रोन धमाके से दहलाया गया। इसराइल का ये मिलिट्री बेस लेबनान बॉर्डर से महज 22 किलोमीटर दूर अमियाद इलाके में मौजूद है। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने एक वीडियो रिलीज कर यहूदी दुश्मनों की तबाही का मैसेज भी दिया। हालांकि इस वीडियो में गोलान हाइट्स में मौजूद इजरायली सैन्य अड्डे पर लगातार मिसाइलें दागी दिखाई गई है। हिजबुल्ला के लड़ाके 21 अगस्त को हुए इजरायल हमले के बाद से बौखलाए हुए हैं। हिजबुल्ला के सरगना नसरल्ला ने हर हाल में इसराइल से खलील अल मक्दा की मौत का बदला लेने का ऑर्डर दे दिया है। अल मक्दा हमास का कमांडर था जिसे इसराइल ने ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। अल मक्दा को ऐसी मौत दी गई जिससे हिजबुल्ला तिलमिला उठा है। बुधवार की दोपहर लेबनान के सिडोन शहर में अल मक्दा गाड़ी से सफर कर रहा था और लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों की पहरेदारी में अल मक्दा हर बात से बेफिक्र था, लेकिन सिडोन शहर में भारी ट्रैफिक के बीच अचानक गाड़ी जोरदार धमाके से उड़ा दी गई। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें हमास के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का कमांडर खलील अल मक्दा मौजूद था। खलील अल मक्दा लेबनान में अपने भाई मुनीर अल मक्दा से मिलने के लिए पहुंचा था। मुनीर अल मक्दा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का खास एजेंट के तौर पर कुख्यात है। लेबनान में दोनों भाई इसराइल के खिलाफ बड़े हमले की प्लानिंग करने वाले थे, जिसकी भनक लगते ही इसराइल ने मक्दा ब्रदर के सफाए का इंतजाम कर दिया। खलील और मुनीर अल मक्दा दोनों ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मदद से हमास, हिजबुल्ला और हूतियों का फंडिंग नेटवर्क संभाल रहे थे। दोनों भाई इसराइल पर हमले की प्लानिंग से लेकर हाईटेक हथियारों का बंदोबस्त भी सभी विद्रोही लड़ाकी गुटों के लिए कर रहे थे। आईडीएफ ने मक्दा भाइयों की कारस्तानी का पता मार्च 2024 में ही लगा लिया था। तब से ये दोनों इसराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर थे, जिनमें से खलील को इसराइल ने खलास कर दिया और इसके बाद हिजबुल्ला, हूथी और हमास तीनों ग्रुप एक साथ इसराइल पर टूट पड़े हैं। नेतन्याहू से बदला लेने के लिए हिजबुल्ला फाइटर जहां इसराइल में घुसकर अंधाधुंध रॉकेट दाग रहे हैं, वहीं हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। लाल सागर में ग्रीस के आयरन टैंक को मिसाइल धमाके से धुआं धुआं कर दिया गया। लाल सागर में एक बोट पर सवार होकर आए हमलावरों ने ऑयल टैंकर पर नजदीक से फायरिंग की। इस फायरिंग में टैंकर में आग लग गई, जिसमें थोड़ी ही देर बाद टैंकर पर दनादन चार ड्रोन से दागी गई मिसाइल टकराई। हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेदा से 140 किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ। ग्रीस के जहाजरानी मंत्रालय ने टैंकर का नाम सोनियन बताया है, जिसके चालक दल में 25 लोग थे और ये इराक से साइप्रस जा रहा था। जिस समुद्री मार्ग पर यह हमला हुआ वो दुनिया का सबसे बिजी सी रूट है। लाल सागर में ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप हूथी विद्रोहियों पर लगे हैं। हालांकि हूथी लड़ाकों ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर हमले के बाद फ्रांस ने 29 लोगों को बचाने का मिशन शुरू कर दिया। फ्रांस ने अपने डिस्ट्रॉयर से लाल सागर में ड्रोन और बम से लदी एक बोट को भी बर्बाद करने का ऐलान किया है। लाल सागर में बड़े हमले का अलर्ट ब्रिटिश नेवी की तरफ से भी जारी किया गया है। $1 ट्रिलियन के कारोबारी रूट को हूथी और हिजबुल्ला लड़ाके दहलाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों से बदला ले रहे हैं।
वहीं पश्चिमी देश लाल सागर में हो रहे सीरियल हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल को साल 2006 की तरह दहलाने की तैयारी में जुटे हैं। हसन नसरल्ला इसराइल से कई हिसाब चुकाने की फिराक में हैं। इस बार हिजबुल्ला के पास ईरान की मिसाइलों का भी अच्छा खासा बैकअप है। लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाके दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी गुट हैं, जिनके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट और हाईटेक ड्रोन जैसे हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला के पास कुल 1,00,000 रॉकेट हो सकते हैं। हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने 2021 में जानकारी दी थी कि उनके संगठन में करीब 1,00,000 लड़ाके शामिल हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्ला के लड़ाकों की कुल संख्या 20,000 से 50,000 हो सकती है। थिंक टैंक दावा करते हैं कि हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से 2,00,000 के बीच रॉकेट और मिसाइलें हैं। नसरल्ला दावा करते हैं कि वो अपनी मिसाइल और रॉकेट से पूरे इसराइल को तहस नहस कर सकते हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध कोई नई बात नहीं, दोनों की दुश्मनी 5 दशक पुरानी है। इसराइल ने पहली बार लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को तब पीटा था जब ये ग्रुप उभर रहा था। 1982 में जब हिजबुल्ला के गठन का ऐलान हुआ था, तब लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। इसराइल ने उसी साल हमला करके दक्षिणी लेबनान पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद हिजबुल्ला फाइटर्स ने इसराइल पर बड़े भयानक हमले किए थे। परसों चली लड़ाई के बाद साल 2000 में इसराइल ने लेबनान से कब्जा हटाया, मगर साल 2006 में एक बार फिर हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला करके युद्ध के लिए उकसाया। जवाब में इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था। हिजबुल्ला और इसराइल की दुश्मनी का नया दौर 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है। हमास के इसराइल में नरसंहार कांड के बाद से हिजबुल्ला उनके समर्थन में इसराइल पर रॉकेट बरसा रहा है, जिसमें उसकी मदद ईरान करता है। असल में हिजबुल्ला के सुप्रीम कमांडर हसन नसरल्ला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के भरोसेमंद लीडर के तौर पर कुख्यात है। शेख हसन नसरल्ला साल 1992 से हिजबुल्ला के सुप्रीम लीडर हैं। शिया धर्मगुरु नसरल्ला को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी कहा जाता है। साल 1981 में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ने अली खामनेई को लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया था और तब से अली खामनेई का लेबनान को लेकर खास लगाव है। इसराइल से दुश्मनी भी हिजबुल्ला और ईरान में दोस्ती की सबसे बड़ी वजह है। हिजबुल्ला इसराइल को निशाना बनाने के लिए इसीलिए भी नहीं हिचक रहा, क्योंकि ग्रुप में ये खौफ फैला हुआ है कि किसी भी दिन इसराइल नसरल्ला का शिकार कर सकता है। इसराइल के डर से इसीलिए भी हसन नसरल्ला सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिखते। नसरल्ला के मजहबी तकरीरें टीवी के जरिए लड़ाकों को दिखाकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। इस्माइल हानिया और दाइफ की मौत के बाद नेतन्याहू के निशाने पर याह्या सिनवार और हसन नसरल्ला टॉप पर हैं। पूरे लेबनान में इस वक्त अलर्ट है। आर पार के युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच चीन ने भी अपने नागरिकों से फौरन लेबनान से दूर निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है। वैसे भी अब हिजबुल्ला का एक और हमला पूरे लेबनान की तबाही की वजह बन सकता है।